आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं रोड एस्टीमेट कराने जा रहा हूँ। तो सही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोड एस्टीमेट, और लगभग इसका इक्वेशन आपके पेपर में आपको देखने को मिल ही जाता है 15 नंबर का। तो दोस्तों, रोड एस्टीमेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन है सब्सक्राइब करने का, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब आगे और नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना रोड का एस्टीमेट। देखिए, जब हम रोड का एस्टीमेट शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहली जो इसमें एक टर्म होती है, बेसिक टर्म जो आपको जाननी है, लीड एंड लिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आप जान लीजिए बेसिक टर्म्स है कुछ ये क्या होती है। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ कहीं गड्ढा कर दिया, ये इसकी हमने सारी की जो मिट्टी थी इसकी सब हमने मिट्टी निकाल दी। यहाँ हमारा जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल है, ये हमारा नॉर्मल ग्राउंड लेवल है, यहाँ से सारी मिट्टी निकाली और यहाँ हम जमा करते चले गए। सपोज कीजिए इतना हमने यहाँ से मिट्टी निकाल के है इस तरह से यहाँ जमा कर दी, यहाँ से मिट्टी सब निकालते गए और यहाँ लगे सब जमा करते गए। तो देखिए, लीड और लिफ्ट क्या होता है, मान लो यहाँ से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो जो इसका जहाँ सीजी काम करेगा, इसका सीजी यहाँ काम कर रहा है, और जहाँ से हम ये कर रहे हैं यहाँ हमारा सीजी। तो इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या जो कहो कि आप एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लीड। और अगर इसी के बीच के हम वर्टिकल डिस्टेंस लें तो इसको हम बोलते हैं लिफ्ट। ठीक है, तो जो हमारे रेट्स हैं, आप ये ध्यान रखिए कि एक लीड के लिए 30 मीटर और एक लिफ्ट के लिए जो हमारे रेट्स हैं वो है हमारे 1.5 मीटर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है। ये जो है इनके लिए आप किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रोविजन जो है आप ठेकेदार को नहीं देंगे। मतलब कि इतने अगर आपका रेट 30 मीटर तक की अगर आप लीड दे रहे हैं तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं। अगर आप 30 मीटर के बाद लिफ्ट लीड दे रहे हैं और या 1.5 मीटर से ज़्यादा लिफ्ट आप दे रहे हैं उसमें काम हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखें कि एक लीड अगर है 30 मीटर के बाद की, अगर एक लीड है तो दो बेलदार और दो ही मजदूर आप इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, और सेम प्रोसीजर आपका लिफ्ट में। ठीक है, ये एक लिफ्ट लिखा है मैंने। ठीक है, आप चलिए रोड एस्टीमेट देखते हैं किस तरीके से होता है। तो जो रोड एस्टीमेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड, देखिए आपको तीनों समझाता हूं मैं, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। दोस्तों, तीनों ही मेथड बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा कहता है कि पहला आसान है दूसरा आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जौन सा आपको सुटेबल लगे आप वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको तीनों मेथड बना के वीडियो बना के दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मेथड। तो ये तीन फॉर्मूले थे जिस तरीके से आप जो है अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, अर्थवर्क आप जानती हैं क्या होता है, अर्थवर्क कुछ टर्म्स आएंगी यहाँ पर। अर्थवर्क हुआ एक्सक्यूवेशन, एक्सक्यूवेशन क्या है, खुदाई, खुदाई में कितना कार्य हुआ। ठीक है, अर्थवर्क इन एक्सक्यूवेशन का मतलब है खुदाई में कितना हुआ हमारा कार्य। तो देखते हैं हम सबसे पहले, अब आप देखिए मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो अब हम सबसे पहले आपको मिड सेक्शनल एरिया मेथड बताने जा रहा हूँ, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। दोस्तों, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। मिड सेक्शनल एरिया मेथड देखते हैं क्या है। दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये हमारा इस तरह से है, यहाँ हमारी ये इस शेप में, चलिए हम इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल लेते हैं। यहाँ से हमें ये निकालना है बेसिकली कि ये जो पूरी हमारी शेप है इसमें हमारा अर्थवर्क कितना हुआ, हमें निकालनी है इसमें क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। तो अब फ्रेंड्स, आप देखिए क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, अब आप जानिए किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या होता है, उसकी एरिया इंटू उसकी लेंथ, ये तो होती है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। अब सपोज कीजिए कि ये जो हमारी ये जो चौड़ाई है ये है बी, ठीक है, और ये हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक डीएम, ये D1 और इधर वाली है D2, और हमने मान लिया जो इसमें स्लोप है, ये जो स्लोप है ये S:1 का है। यदि ये ऐसा है, ये पूरी DM है इस तरह से, तो ये आप जानते हैं ऑटोमेटिकली कितनी जाएगी, SDM, ऐसी इधर भी SDM। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जैसे तो नीचे है L, हमारी क्या है सेक्शन की लेंथ है, B क्या है हमारी, इस B को हम बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, B को बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। S:1 का हमारा स्लोप है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का साइड स्लोप। और DM जो है, DM कुछ नहीं, आप DM में कंफ्यूज ना हो, DM जो है हमारी मीन डेप्थ है, D1 प्लस D2 बाई। ठीक है, अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, आप देखें एरिया निकालने के लिए आप इसका एरिया निकाल लें बीच वाले रेक्टेंगल का,
और इधर का और इसका है, इधर दोनों के ट्राइंगुलर का दोनों का निकाल दें, तो इसका जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस दो हमारे क्या हैं, दो ट्राइंगुलर पोर्शन है, दो इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर, टी फॉर ट्राइंगुलर, आर फॉर रेक्टेंगल। तो एरिया रेक्टेंगल का निकालना है, जानते हैं बी इंटू डीएम, लंबाई इंटू चौड़ाई का फार्मूला लगा दिया, बी इंटू डीएम। और टू इंटू इसका निकालना, तो आप जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से आप इनकी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। तो ये हो गया बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। अब हमको क्वांटिटी निकालनी थी, तो क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो जिसमें मैंने हमने जाना कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या होता है। दोस्तों अब मैं इसके बाद एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो दोस्तों ये थी मिड सेक्शनल एरिया मेथड में टोटल, और आपको अगर इस मेथड में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।